श्लोक धन गुरु अंगद देव महाराज ने आसा की वार के बख्शिश किए ने। लगभग 1518 के सतगुरु नानक देव महाराज शेख फरीद की गद्दी ते शेख ब्रह्म पोता चेला सी उन्हां दा पाक पटन शहर दे गए सन। उत्थे महाराज ने बाणी उच्चारण की है। प्रारंभ करन तो पहला आओ सारी संगत अरदास बेनती करो। धन धन गुरु नानक देव साहब जी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, धन धन सतगुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज चे पातशाह। आसा दी वार दे अर्थ विचार प्रारंभ करन लगे हाँ। आप जी ने सानू बुद्धि बख्शनी, मेरा भरिया हाथ रखना, सोझी बख्शनी, ताकि रोज का नितनेम जो साडा है आसा दी वार दा इह श्रवण करदे अर्थां दा ज्ञान रहे। गुरु नानक देव जी ने बंदे दे आचरण नू उच्चा चुकण लई, सही मार्ग ते संसार नू लाउण लई आसा दी वार बख्शिश कीती। सो महाराज जी मेहर करन अपने ते, आओ सतगुरु बख्शिश करदे ने प्यार सत्कार नाल। रसना नू करो पवित्र, गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सो महाराज जी बख्शिश करते हैं धन गुरु नानक देव महाराज। अकाल पुरख वाहेगुरु ने जो बख्शिश किया गुरु नानक देव जी नू, जिन्ना खजाना दिता गुरु नानक देव जी ने आपां बख्शिश कर दिता। अगे वाहेगुरु की महिमा, एक ओंकार, ओंकार जो केवल एको एक है, सर्व व्यापक है, सारिया का प्रकाशक है, जिहदा होर कोई सानी नहीं, कोई उहदी बराबरता नहीं कर सकता होर। सत नाम, जिस परमेश्वर का नाम सारिया समया विच ही सच्चा है, तिन्ना कालां विच सच्चा है, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख जो करता है सारी सृष्टि का, पुरख जो पूर्ण है, सृष्टि नूं बना के उहदे विच बैठण वाला, व्यापक रूप विच निरभाव, भय तो रहत, डर नहीं किसे दा, क्योंकि उहदे बराबर कोई है ही नहीं होर। जे किसे नूं डर ना होवे किसे दा तां दूजिआं नूं मारदा। पर महाराज कहिंदे परमेश्वर वाहिगुरु निरवैर हन, उह किसे नाल वैर नहीं करदे हन, सारिआं जीवां नाल इक्को जिही प्यार करदे हन। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर किरपा दृष्ट कर फूला, कीड़ी तो लै के हाथी तक हरेक जीव नाल इक्को जिहा प्यार है, इक्को जिहा वर्ताव है, क्योंकि वाहिगुरु कहिंदे ने मेरे ने, यह मैं बनाई 84 लाख जून, इस करके 84 लाख नूं पैदा करन वाला, इहनूं रोजी देण वाला, इहनूं मारन वाला मैं आप ही हाँ। अकाल मूरत, काल हुंदा मौत, अकाल मौत तो रहत मूरत हस्ती है, मौत तो रहत स्वरूप है उहदा वाहिगुरु दा। अजूनी जो जूना दे विच नहीं आउंदा, सानू भी नहीं आउण दिंदे, जिन्हां नाल मिल जाइए जे सतगुरां नाल, अकाल पुरख जी नाल, सानू भी अपने वर्गा ही बना लैणगे। सह भंग सुते सिद्धि प्रकाश है, किसे तो प्रकाश लैण दी जरूरत नहीं, लोड़ ही नहीं, क्योंकि आप तां प्रकाश दिंदे ने सारिआं नूं, ते आपने किसे तो की प्रकाश लैणा है। ये सारा स्वरूप की जिहड़ी प्राप्ति है,
गुरप्रसाद गुरां दी प्रसाद कृपा दा सदका ही अकाल पुरख दे दर्शन हो सकते ने। महाराज की मेहर दा सदका ही दर्शन हो सकते ने। सो जदों शेख ब्रह्म जी आए गुरु नानक देव जी दे पास, सो महाराज ने वचन किया। भगत कबीर जी ने कहिंदे गौड़ी राग अंगीकार किया ज्यादा, सिद्धा ने रामकली राग नूं अंगीकार किया। ये मरदानिया आसाबंद होके आया, बड़ी आसा लैके शेख ब्रह्म मिलिया। सो पहला उहदा जिहड़ा चेला सी वह बाहर मिलिया सी गुरु नानक देव जी नूं शहर तों बाहर। सो इस करके शेख कमाल उहदा नाम सी। वो शेख कमाल जदों आके मिलिया उन्हें जाके शेख ब्रह्म नूं दस्या तां इन्हां दा मिलाप होया। महाराज नूं जदों मिलिया सी आके गुरु नानक देव जी दे चरणां ते मत्था टेकिया। महाराज ने रब दा भगत होण करके बहुता प्रेमी होण करके गलवकड़ी विच वी लिया, आओ भैणे गल मिल है अंक सहेलणियां, मिलका करें कहानियां समर्थ कंतकियां। ये शब्द भी उच्चारण किया। सो महाराज कहने आसा बंद होके आए, इस करके आसा राग दे बाणी उच्चारण करते हैं। ये पुरातन जन्म साखी च ऐसा वचन आया, आसा महला पहला। आसा राग है पहले पातशाह गुरु नानक देव जी की बाणी है, वार सलोकां नाल ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ ਛੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ 15 ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਧੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ।
इस करके ये लिखे जिहड़ा है अक्षर ये श्लोकां नाल मिलदा। श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की धुनी। टुंडा हथ दा कटे जाण नाल इंसान टुंडा हुंदा। अस राज अस उहदा नाम सी राज, राजा होण करके लिखा है। सारंग नामे राजा होया। इतिहास विच इहदे तीन नाम आउंदे ने, राजा चित्र केतु मोर तुज ते सारंग। सो मुख साखी सारंग राजे दी है। सारंग नामे राजे ने वड्डी उम्र विच शादी कीती। सो जो राणी आई, क्योंकि देर बाद पहले राणी नूं पुत्र होया सी, ज्योतिषियां ने कहा सी इहनूं भोरे च रखना है। लंबा सोहना अच्छा सी। ये राणी ने माड़ा कर्म करने की प्रेरणा दी, पर असराज जिहड़ा सी वह बड़ा धार्मिक ख्यालां दा सी। राणी ने जानबूझ के अपने कपड़े लीड़े पाड़ के रौला पाता कि असराज ने माड़ा कर्म करना चाहिया। राजे ने बिना सोचे समझे वजीर नूं कहा, जाओ इहनूं वढ के टोटे करके सुट दो। एक एक लड़का सी। जदों लैके गए वजीर ने फिर जलादां नूं ओले जे करके कहा, मारिया ना, इन्ना सोहना धर्मात्मा बच्चा है, राजा तां अन्ना होया होया है। इस करके राणी ने की कहा, कहिंदे राणी ने कहा, मैनूं इहदा एक अंग वढ के लिया के दिखा दिओ। कहिंदे तुसीं ऐं करो, इहदा एक गुट वढ के लियाओ, इहनूं किसे उत्थे सिट्टिआ होए जंगल च खूह खा च, आपे जे इहदी किस्मत उह बच जूगा। जदों अस नूं लै के चले, अस राज राजे दा पुत्र होण करके अस राज नूं लै के चले, जलादां ने इहदा एक गुट वढ दित्ता। एक सुक्किआ जिहा खूह सी जंगल विच, उहदे सुट दित्ता। उत्थों हाए हाए दीआं आवाज़ां आउण लगियां। बणजारे लंघ रहे सी, बैलां दे उत्ते समान लद्दिआ होइआ। उन्हां नूं प्यास लगी, जदों खूह दे विच इन्हां ने डोल लटकाया, इन्हें डोल एक हथ नाल पकड़ लिया ते आवाज़ दित्ती, मैनूं बचाओ। पहलां तां उह डर गए, शायद कोई बला है। जदों वड्डे सरदार नूं दस्सिआ, उह कहिंदे बई कोई बंदा डिग्गिआ है, कढो उहनूं बाहर। देखिआ ते असराज कढिआ, बड़ा सुंदर है, मोहित हो गए। पट्टी कीती इहदी, नाल लई फिरदे रहे। अगले 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 कई पिंडां विच दी लंघदिआं एक धोबी ने देखिआ वी इह बच्चा इहनां दा लगदा नहीं। कहिंदा क्यों, वी वेचणा? कहिंदे हां जी। सो कुछ पैसे पुराने समय दे विच 2000 रुपया बहुत हुंदा सी, उहनां दे के इहने खरीद लिया। धोबी ने कपड़े धोणे शुरू कर दित्ते, अपना मतबन्ना पुत बनाया भई चलो, क्योंकि उहदे औलाद नहीं सी। रोज हुण धोबी दे कपड़े लैके बलद दे उत्ते रख के इह सवेरे 6 बजे नदी किनारे जांदा सी। एक दिन रात नूं राजा मर गया उस नगरी दा। हुण पहलियां जमाने च दरवाजे हुंदे सी चारे पासे, शहर दे चारे पासे कंध कढ के बड़े बड़े दरवाजे, शेरां वाला गेट, लाहौरी गेट, सरहंदी गेट, जिवें इत्थे बणाए होए, ताकि अंदर कोई डाकू, कोई जानवर, कोई दुश्मन ना आ सके। फैसला यह होया कि जिहड़ा आके पहला यह दरवाजा खोल लवेगा, ताला खोल लवेगा, उसे नूं राजगद्दी ते बिठा देंगे। जिहदे मत्थे ते राज लिखिया हुंदा है, उहनूं भावें खूह च सिट दिओ तां वी राज करदा। जिहदे नहीं लिखिया हुंदा, उहनूं जिन्ना मर्जी बार बार गद्दी ते बिठाओ, तिलक तिलक के थले डिगदा। जदों असराज ने जाके देखिया सवेरे सवेरे, मूंह नेरा जिहा सी, टुंडे हथ नाल जदों इहने जिंदे नूं हथ लाया, क्योंकि पिछले जन्म की कमाई करके ही राजा बनता, पहला साधु ही हुंदा है, वह इन्नी बख्शिश सी महाराज की कि इहदा टुंडा हथ लगदिआं जिंदा खुल गया। दरबारी लोग के बैठे से, उन्होंने झाटे नूं पकड़ लिया, पकड़ के इशनान करा के शाही पोशाके पहना के उत्थे बिठाता गद्दी ते। कुछ समा लंघ गया, वड्डा होया सारंग रामा। सारंग जिहड़ा राजा सी, इह जीवन बतीत करता सी। मतरेई मां भी सी, इहदी 2-3-4 राणियां होण करके
ਇਹ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਇੱਕ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੀ ਫਰੀ ਦੇ ਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮਾੜੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਤਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁਖਿਆਈ ਹੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੌ ਧੁਨਾਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 12 9 ਧੁਨਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ 12 9 ਧੁਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟੁੰਡਿਆ ਸਰਾਜਾ ਕਿਤਨੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਇੰਨਾ ਅੱਖਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ 9 ਧੁਨਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਦੂਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 12 ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਬਲਿਹਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ।
सैकड़े बारी रात नू, सैकड़े बारी दिन नू, मैं तो कुर्बान जावा। इन्ना गुरु नानक देव जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु का सत्कार किया है, आपां इन्ना ही सत्कार गुरु नानक देव जी का करना है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का करना, बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार। द्योहाड़ी बोलन विच पाठ है, दिहाड़ी भी कह सकते, पर द्योहाड़ी लिखिया महाराज ने सदवार। सैकड़े वारी बलिहार जावा, क्यों बलिहार जावा? जिन मानस ते देवते की ये, जिन्होंने आ संसार दे अंदर जिहड़े जीव सी, ये मानस, ये माण दे खाधे हुए मानस, इन्हां नूं देवतियां वर्गा जीवन बख्शिया। धन गुरु नानक देव जी ने, धन गुरु अंगद देव जी ने, महाराज ने सानूं देवतियां वर्गा सोहना जीवन दिता है। सारिआं नूं देवते बनाया है। देवते मनुख जून जून नालों थोड़े उपर चले जाते हैं। हुण कईआं दा विचार है कि इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव, आम तौर पर यही अर्थ किया जाता कि देवते भी इस देही नूं याद करते हैं जां पछताउंदे ने वी सानूं इह देही मिले नहीं। इस देही को सिमरह देव, देवते भी इस देही नूं सिमरह याद करते ने वी जदों असी मनुख सीगे उदों असी बड़ी सेवा कीती सी। सो देही भज हर की सेव, उस देही दे विच असी शुभ कर्म करके करना तो असी भजन ते हरी दी सेवा, शुभ कर्म करके हंकार कर बैठे जिदे करके भला ना हो सकिया अते देव जूनी नूं प्राप्त हो गए। जेड़े इंसान चंगे कर्म करते ने उन्हां नूं देवते कहा जांदा है, माड़े कर्म करन वाले नूं दैंत कहा जांदा है। हुंदे मनुखी ने, रावण देखण नूं तां बंदे वर्गा ही सी, पर क्योंकि माड़े कर्म करने करके उन्हां नूं दैंत कोटी विच गिणिया जांदा है। तां महाराज कहिंदे जिन गुरु नानक देव जी ने मानस ते देवते किए, जिस अकाल पुरख वाहेगुरु ने, इहदा इक होर भाव भी लैंदे ने पुरातन टीकियां दे विच, ढुकदा है, कहिंदे जिन जिस परमेशर ने मानस ते देवते किए, जिहड़े वाहेगुरु ने मानस मनुख ते देवते किए बनाए ने, मतलब कि जिसने सृष्टि बनाई है, करत ना लागी वार, वार हुंदी ढिल, देर नहीं लगी, करत ना लागी वार, बस छिन विच ही सारा कुछ रस दिता, एक छिन विच सारी सृष्टि बना दिती। ते जिस वाहेगुरु नूं देर नहीं लगती एक छिन विच सारिया मानसां नूं देवते बनाता, अमृत छका के बाणी पढ़न ला दिता, माड़े कुकर्मां तों हटा दिता। सज्जन ठग वर्गे, देवलूत वर्गे ते किन्नियां दी गिणती करिए जिन्हां नूं मानसां नूं देवते बनाया, देवत्यां वर्गा। हुण देवत्यां नाल नफरत करदे लोग, क्योंकि एक तां प्रचारक ने वो नफरत पैदा कर देंदे ने, देवत्यां दे विरोधी हो जांदे ने। देव जूनी साड्या नालों चंगी है। कदों चंगी है? देव जूनी देवत्यां तों उपर मनुख उदों चंगा बन जांदा, वो अमृत छक के जदों सिमरन उहदे हिरदे च होण लग जांदा, फिर देवते उन्हों मत्था टेकते हैं, उल्ट गल हो जाती। वास्तव दे विच देवत्यां दे जीवन बहुत ही चंगे ने, मर्यादा पुरशोत्तम ने, उन्हों का बैठना उठना खाना पीना बहुत अच्छा है हर मर्यादा विच। ताइयों इत्थे एक प्रमाण वजों गुरु नानक देव जी ने वरत्या, नहीं तो इत्थे लिख देना शायद, इहदा मतलब जिन मानस ते देवते किए, इत्थे मानस भई प्राप्त मानुख देहुरिया, इत्थे यह नहीं लिखिया कि जिन सिख ते देवते किए, सिखां तों देवते नहीं बनाया। जिन मानस ते देवते किए, जिन्हां ने मानस तों सानू देवते बनाया, गुरसिखां दे जीवन तां देवत्यां तों बहुत ज्यादा उपर ने, सानू तां देवत्यां तों भी किते श्रोमणी बनाया।
सारे देवते गुरसिख नमस्कार करते हैं। जे वह गुरसिख हो जे वह गुरु नानक की सही कसवटी से उतर जाए। महाराज कहने ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, उन्होंने खोजता फिर शिवजी ब्रह्मा विष्णु। यह कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं, जे तुसीं समझो बड़ी वड्डी गल है भी विष्णु जी मत्था टेकते ने आके, ये वड्डी गल नहीं। रोज ही मत्था टेकन आउंदे ने गुरुद्वारे सारे जाने, रोज ही संगत नूं मत्था टेकते ने। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे पढ़े प्रीति सिओ प्रात अस्तोत्र याको करै रुदर काली नमस्कार ताको। जिहड़ा परमेश्वर की बाणी पढ़न वाला व्यक्ति है ना, उहनूं सारे ही जे आपां उहदा इन्ना सत्कार करदे हां, कोई बंदे का पता लग जाए भी आह बंदा इन्ना पाठ करदा है, इन्ना पाठ करदा है, उहदे कोलों सारे ही झोके लंघणगे। हर बंदा उहदा सत्कार करदा है, पंछी पशु भी उहदा सत्कार करदे ने, देवते भी सत्कार करदे ने, इत्थों तक भी दैंत भी उहदा सत्कार करदे ने, सारे ही फिर सत्कार करदे ने। तो मानस तो देवते कदों बनते ने, जदों गुरबाणी पढ़ते ने। करत न लागी वार, ज्यों ही पंज चूड़े अमृत दे मुख विच पै गए, छिट्टे पै गए अखां विच, सिर दे विच पंजां प्यारां ने अमृत पा के ककारां सहित बनाया। एक बार तो देवते बना दिते जांदे ने, बाद च जे कृतां करन फिकर करिए। महाराज कहिंदे एक बार तां देवतिआं वर्गे जीवन बनाए गुरसिखां दे। गुरु अर्जन देव जी ने नाल मिलदा जुलदा सलोक गुरु अंगद देव जी का रचित कर दिता, महला दूजा। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज फरमाते ने, जे सौ चंदा उगव है सूरज चढ़ है हजार। महाराज कहने जे गुरु के मुकाबले की हुण गल करदे ने, जे सौ चंद्रमा समान च कट्ठा चढ़ जाए, एक हजार सूरज समान विच चढ़ जाए, फिर की अंदर ज्ञान हो जाता। महाराज कहने इत्ते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार, घोर अंधार ही रहिंदा मन दे अंदर गुरु दी सिक्ख्या तो बिना, सतगुरु जी दे उपदेश तो बिना। हुण कहिंदे ने इह तां सधारण गल है, सानू भी पता जे सौ चंदा उगवा सूरज चढ़े हजार। एक तो है सधारण तौर पर, एक इहदा कहण दा संकेत किधर नूं दित्ता तुसीं, इहदा अंतरी भाव की है। महाराज कहिंदे जे सौ चंदा उगवै, जे सौ शास्त्र भी इकट्ठे कर लो, छे शास्त्र ने वैसे, जे हजारां वेदां रूपी सूरज भी चढ़ जाण, हजारां ग्रंथ दुनिया दे इकट्ठे कर लो, चंद्रमा वत सैकड़े विद्वान इकट्ठे कर लो, बड़ियां ज्ञान दियां गप्पां सुना भी देण आपां नूं, इत्ते चानण होंदिआं इन्ना चानण होंदिआं होइआं भी इन्ना प्रकाश होंदिआं, फिर गुरु नानक साहब की लोड़ पैगी ना। जे गुरु नानक देव जी लोड़ पई तां ही तां महाराज आए, फिर गुरबिन घोर अंधार, गुरु साहब जी तो बिना घोर घुप गाढ़ा हनेरा छाया सी संसार दे अंदर, तां गुरु नानक देव जी सृष्टि ते आए, गुरु नानक देव जी ने संसार नूं उपदेश दिता, उस उपदेश दे नाल सृष्टि नूं गुरु नानक देव जी ने तारिया। इन्ना चानण होंदिआं होइआं भी कहण दा भाव, जे सौ एम ए कर लो, हजार पी एच डी कर लो, अज दे युग दी उदाहरण दे दिंदे आ, जे सौ डिप्लोमे भी कर लो ते हजार विद्या होर भी पढ़ लो, मन दे अंदर चानण तां नहीं हुंदा। पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लभ लोभ अहंकारा। आपां किसे दी गल नूं कटदे नहीं, किसे दी निरादर नहीं कर रहे आपां कि पढ़े लिखे दा निरादर नहीं। साडा तां कहण दा भाव है कि भाई सारिआं लई सांझा उपदेश तां इह है कि जिहड़ा अंदर चानण होणा ना, उह तां बाणी नाल ही होणा। हिरदे विच प्रकाश तां बाणी नाल ही होणा है। गुरु नानक देव जी ने ही करना प्रकाश हिरदे दे अंदर। बाकी जिन्ना मर्जी कोई महाराज कहने पढ़ी जाए पढ़ी जाए पढ़ी जाए, दुनिया अंदर अज तक एक जाना सब तो वध पढ़िया, वह भी देवत्यां चों, नारद मुनि
75,000 वरा विद्या पढ़िया, 14 विद्या पढ़ पढ़ के मुकाइया ने, उन्होंने भी चानण नहीं होया। उन्हें भी आके पूछया सी सनक सनंदन होना नू, ता उन्होंने कहा सी अध्यात्मक विद्या पढ़ ता चानण होवेगा। इस करके महाराज कहने भाई जिन्ना मर्जी थोनू जनरल नॉलेज हैगी है, पढ़े लिखे हैगे हो, पर ए ना समझो कि हुण मेरे अंदर चानण हो गया। इत्ते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार, गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिना समझ ना आवे, गुरु बिना सुरत ना सिद्ध, गुरु बिना मुक्त ना पावे, गुरु तो बिना कुछ नहीं हुंदा। गो अज्ञान दे ने